वेलकम टू स्टडी 24। दोस्तों, बिहार डीएलएड प्रवेश परीक्षा 2020 के लिए लाइव टेस्ट चलाया जा रहा है स्टडी 24 की तरफ से। तो आप लोग जो है ये टेस्ट 2 आप लोगों ने दे दिया था, ठीक है। सामाजिक विज्ञान का हिस्ट्री से रिलेटेड जो चैप्टर था उससे लाइव टेस्ट 2 चलाया जा चुका है, लाइव टेस्ट 1 भी चलाया जा चुका है। आज जो हम देखने वाले हैं वो आपका तीसरा पार्ट होगा, क्वेश्चन नंबर 200 से लेकर 250 तक, ठीक है। अब चलिए शुरू करते हैं। एक कैंडिडेट ने हमसे पूछा था कि सर कौन से बुक से आप ये टेस्ट चला रहे हैं, तो दोस्तों देख ध्यान दीजिएगा, जिनको नहीं पता चल रहा है ये देखिए, ये आपका एक्सीलेंट का बुक है, इसी से दिया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो ये रहा क्वेश्चन, पहला क्वेश्चन आज का 201 से स्टार्ट होगा, ठीक है। भारत में होम रूल आंदोलन किसने चलाया था? जो लाइव देख रहे हैं वो आंसर देंगे और जो लाइव नहीं देख रहे हैं उनको आंसर देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि लाइव में ही मज़ा आता है। तो लाइव आप लोग आइएगा तो आंसर देने में अच्छा लगेगा। तो जो लाइव नहीं देख रहे हैं वो सिर्फ ये कॉमेंट करके बता दीजिएगा कि कितना क्वेश्चन आपने सही बनाया है, ठीक है। तो इसका सही आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन बी, बीजी तिलक एवं एनी बेसेंट ने, ठीक है। होम रूल, भारत में होम रूल आंदोलन किसने चलाया था? बाल गंगाधर तिलक और एनी बेसेंट ने, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 202, बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो इसका सही आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर बी, लाला लाजपत राय के द्वारा। सॉरी दोस्तों, बी नहीं होगा, इसका सही आंसर होगा बारदोली में जिन इनको सरदार का उपाधि दिया गया था, वल्लभ भाई पटेल को, तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल से संबंधित है, ठीक है। बारदोली सत्याग्रह किसके नेतृत्व में हुआ था? तो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा, बारदोली की महिलाओं के द्वारा ही सरदार की उपाधि दी गई थी इनको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 203 है, दलित वर्ग एसोसिएशन की स्थापना किसने की है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अंबेडकर जी ने, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर द्वारा। क्वेश्चन नंबर 204, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बोमेश चंद्र बनर्जी। क्वेश्चन नंबर 205 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई, इसके संस्थापक कौन थे? इसके बारे में मैंने आपको फर्स्ट पार्ट में शायद बताया था। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1885 ईस्वी में, और इसके संस्थापक थे ए ओ हुरुम। क्वेश्चन नंबर 206 है, केंद्रीय असेंबली पर बम फेंकने में भगत सिंह का साथी कौन था? यानी केंद्रीय असेंबली की जब बैठक हो रही थी तो उसमें बम फेंकने में भगत सिंह के साथ में कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बटुकेश्वर दत्त। क्वेश्चन नंबर 207, औद्योगिक क्रांति सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इंग्लैंड से, ब्रिटेन से। और क्वेश्चन नंबर 208 है, देखिए, स्पिनिंग जेनी का आविष्कार कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 1764 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 209, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? अर्थात इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वोट देने का अधिकार कब प्राप्त हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1918 ईस्वी में। और क्वेश्चन नंबर 210 है, भारत के लिए पहला फैक्ट्री एक्ट कब पारित हुआ था?
तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1881 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 211, वैज्ञानिक समाजवाद की अवधारणा का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी कार्ल मार्क्स के द्वारा। क्वेश्चन नंबर 212, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1920 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 213 देखेंगे, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई थी कब? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1907 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 214, सेफ्टी लैंप का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी हम्फ्री डेवी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 215 देखेंगे, ब्रिटेन ने निम्नलिखित में से किस नीति का अवलंबन किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए अहस्तक्षेप की नीति। क्वेश्चन नंबर 216, पावर लूम का आविष्कार निम्नलिखित में से किस देश में हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए ब्रिटेन से। क्वेश्चन नंबर 217, निम्नलिखित में कौन औद्योगिक क्रांति का कारण नहीं था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए धर्म सुधार आंदोलन। क्वेश्चन नंबर 218 है, इंग्लैंड में औद्योगिक क्रांति किस उद्योग से आरंभ हुई थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वस्त्र उद्योग से आरंभ हुई थी। और क्वेश्चन नंबर, जेम्स वाट ने किस यंत्र का आविष्कार किया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बाष्प इंजन का। क्वेश्चन नंबर 220 है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुमास्तों की नियुक्ति क्यों की थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी बुनकरों पर नियंत्रण रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 221 है, भारत में पहली जूट मिल कहाँ स्थापित की गई थी? जी हाँ, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 222 है, भारत सरकार ने 1921 ईस्वी में एक राजस्व आयोग नियुक्त किया और उसका प्रधान किसे बनाया गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इब्राहिम रहीमतुल्लाह। क्वेश्चन नंबर 223 है, मुंबई में सर्वप्रथम सूती कपड़ों के मिलों की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1854 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 224 है, 1917 ईस्वी में भारत में पहली जूट मिल किस शहर में स्थापित किया गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए कलकत्ता में, जिसे अभी हम कोलकाता के रूप में जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 225, 1930 और 40 ईस्वी के दशक में निम्न में कहाँ द्वारिकानाथ टैगोर ने 6 संयुक्त उद्यम कंपनियां लगा ली थी? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए बंगाल में। क्वेश्चन नंबर 226, विश्वेश्वरैया आयरन एंड स्टील कंपनी भद्रावती किस राज्य में स्थापित की गई है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी कर्नाटक में।
क्वेश्चन नंबर 227 होगा, भारत में टाटा हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर स्टेशन का की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए 1910 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 228 है, औद्योगीकरण के निम्नलिखित में कौन से कारण थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी, नए नए मशीनों का आविष्कार, कोयले एवं लोहे की प्रचुरता और फैक्ट्री प्रणाली की शुरुआत। तो ये सभी सही है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 229, 1750 ईस्वी तक ब्रिटिश भारत की जनसंख्या का कितना प्रतिशत गांवों में निवास करती थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 80%, जो कि वर्तमान में लगभग 60% हो चुका है। अब गांवों में निवास करने वाली जनसंख्या जो है वो 60% के आसपास है। क्वेश्चन नंबर 230 है, सूती कपड़ा तैयार करने वाले आधुनिक कारखाने के निर्माण में लगे हुए थे कौन कौन से व्यक्ति थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी उपर्युक्त सभी, यानी पारसी धर्म के लोग भी और गुजराती और बोहरा मुसलमान भी लगे हुए थे। क्वेश्चन नंबर 231 है, भारत में कोयला उद्योग का प्रारंभ कब हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1914। और क्वेश्चन नंबर 232 है, फ्लाइंग शटल का आविष्कार किसने किया था? सॉरी दोस्तों, हाँ तो इसका आंसर जो होगा ऑप्शन नंबर ए होगा जॉन के ने, ठीक है। इसका नाम जो था जो जॉन के, ठीक है, यही नाम था। और क्वेश्चन नंबर 233 है, भारत में न्यूनतम मजदूरी कानून किस वर्ष पारित हुआ था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1948 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 234, भिलाई राउरकेला और दुर्गापुर में कब इस्पात कारखाना खोला गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1955 ईस्वी में। राउरकेला और दुर्गापुर में स्टील कारखाना जो था वो 1955 ईस्वी में खोला गया था। क्वेश्चन नंबर 235, इंग्लैंड में पहला फैक्ट्री कानून कब पारित किया गया? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 1801 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 236, अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक संघ की स्थापना कब की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1920 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 237, जेम्स वाट ने निम्नलिखित में से किसका आविष्कार किया था जिसे अभी आपने ऊपर में देखा था? जी हाँ, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी बाष्प इंजन का। सबसे पहले रेलवे में बाष्प इंजन का ही उपयोग किया गया था जिसे जेम्स वाट द्वारा बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 238, औद्योगिक क्रांति के परिणाम स्वरूप कौन देश विश्व की वित्तीय केंद्र बन गया था? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए इंग्लैंड से, क्योंकि औद्योगिक क्रांति जो है इंग्लैंड में ही सबसे पहले हुआ था। और क्वेश्चन नंबर 239 है, भारत सरकार ने राजस्व आयोग की नियुक्ति कब की गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी 1921 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 240, कानपुर में एलिगन मिल की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी 1960 ईस्वी में।
क्वेश्चन नंबर 241 है, व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए प्रयुक्त व्यापार नीति किस देश में अपनाई गई? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंग्लैंड में। क्वेश्चन नंबर 242, भारत में प्रथम लिमिटेड कंपनी बिरला ब्रदर्स की स्थापना कब हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 1917 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 243, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी? लंदन, आप लोग जानते होंगे लंदन ब्रिटेन में है, इंग्लैंड में, तो वहाँ अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी, जल्दी बताइए। तो इसका सही आंसर जो था वो है ऑप्शन नंबर सी, 1950 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 244 है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, महानगर में। क्वेश्चन नंबर 245, लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, 1870 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 246 है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मध्यम वर्ग। क्वेश्चन नंबर 247, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण किया जाता है और किया गया था और किया जाएगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, श्रमिक वर्ग का। क्वेश्चन नंबर 248 है, 1810 से 1880 के बीच लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहां तक पहुंच गई थी? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, 40 लाख। क्वेश्चन नंबर 249, आधुनिक काल से पूर्व शहरों की स्थापना के महत्वपूर्ण आधार क्या थे? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, क एवं ख, यानी व्यापार और धर्म, ठीक है, ये दोनों होगा आंसर, व्यापार और धर्म। क्वेश्चन नंबर 250 है, आधुनिक शहर के उदय का इतिहास लगभग पुराना है, कितने वर्ष पुराना है? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 200 वर्ष। तो दोस्तों ये रहा आपका पीडीएफ, ठीक है, पीडीएफ जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं, आंसर भी दिया गया है, ठीक है। तो 200 से लेकर 250 तक का आंसर दे दिया गया है और ये पीडीएफ आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, डाउनलोड करके रिवीजन भी कर सकते हैं या फिर रिवीजन के लिए आप इसी वीडियो को दोबारा भी देख सकते हैं। चलिए मैं मिलूँगा, अब जो आपका आज मैंने 50 क्वेश्चन ही डाला था क्योंकि आज सोच रहा हूँ कि आप लोगों के लिए हिंदी भी डालूँ, तो रात 8 बजे या 9 बजे तक आपका हिंदी भी डाल दिया जाएगा, तो हिंदी का भी टेस्ट दे दें और उसी प्रकार से आगे देखेंगे। तो एक दिन में कम से कम 3 टेस्ट लाने का प्रयास करूंगा। थोड़ा सा ठंड ज़्यादा है, जिस रूम में मैं करता हूं काम उसमें बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, इसलिए 3 टेस्ट लेकर नहीं आ पा रहा हूं और कोशिश करूंगा कि लेकर आऊं। तो हिंदी का टेस्ट भी दीजिएगा। चलिए मैं मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।